Now, coming to the third, I will start with the third third topic, that is the or the third category of solution, that is liquid and liquid. So liquid and liquid solutions further बच्चे तीन तरह के होते हैं. पहले होते हैं आपके miscible liquids, second होते हैं partially miscible liquids and third होते हैं immiscible liquids. Miscible liquids वो liquids होते हैं जो हर proportion में एक दूसरे के साथ miscible हो जाए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ लिक्विड ए एंड आई हैव अ लिक्विड बी जो एक दूसरे में बिल्कुल मिसेबल है. चाहे मैं लिक्विड ए की वन पार्ट लूँ दूसरे के नाइन पार्ट लूँ और आई टेक वन पार्ट ऑफ लिक्विड बी और टेन पार्ट ऑफ लिक्विड ए नाइन पार्ट ऑफ लिक्विड ए दे विल बी मिसेबल इन वन. इनकी प्रोपोर्शन कभी गवर्न नहीं करेगी इनकी मिसेबिलिटी को. इसमें एग्जाम्पल है इथाइल अल्कोहल एंड वाटर. इथाइल अल्कोहल और वाटर को किसी भी रेशियो में डिजोल्व करोगे दे विल बी मिसेबल. ठीक है. वो दो लेयर्स नहीं बनाएंगे, एक सिंगल सोल्यूशन बना देंगे. इन लिक्विड्स को मिसेबल लिक्विड्स को ही हम बाइनरी लिक्विड्स भी कह देते हैं बच्चे. दे आर ऑल्सो कॉल्ड द बाइनरी लिक्विड्स. ठीक है बच्चे. सेकेंड इंपॉर्टेंट कैटेगरी आ जाती है आपकी पार्शली मिसेबल लिक्विड्स. ठीक है. बिफोर गोइंग टू पार्शली आई वुड लाइक टू डिस्कस व्हाट आर इमिसिबल. अब मिसिबल है जो कम्प्लीटली मिसिबल है, इमिसिबल होंगे जो कम्प्लीटली इमिसिबल होंगे. मतलब किसी भी प्रोपोर्शन में आप उनको मिक्स करने की कोशिश करोगे दे विल नॉट गो इनटू वन अनदर. वो एक दूसरे में मिक्स होंगे ही नहीं किसी भी प्रोपोर्शन. इसमें एग्जांपल आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. जितनी मर्जी अमाउंट जितनी मर्जी कंसंट्रेशन इन दोनों की ले लो ये एक सोल्यूशन बनाएंगे ही नहीं. अब थर्ड आ जाती है कैटेगरी जो इन दोनों के बीच में लाई करेगी. दे आर द पार्शली मिसेबल लिक्विड्स. और बहुत इंटरेस्टिंग सोल्यूशंस होते हैं पार्शली मिसेबल लिक्विड्स के. ये वो लिक्विड्स होंगे और वो सॉल्यूशंस होंगे जो एक पर्टिकुलर रेशियो में सिर्फ सॉल्युबलाइज होंगे. दैट मींस एक पर्टिकुलर रेशियो में वो मिसेबल लिक्विड्स बन जाएंगे. उस रेशियो के दोनों साइड वेदर यू गो ऑन दिस साइड और इन दिस साइड दे विल बी इमिसिबल. ठीक है. इसमें एग्जांपल है बहुत कॉमन जो हम प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे दैट इज फिनोल इन वाटर लिक्विड्स. फिनोल और वाटर एक पर्टिकुलर रेशियो में सिर्फ सॉल्युबलाइज होता है. उससे किसी भी साइड आप चले जाओगे दे विल फॉर्म इमिसिबल सॉल्यूशंस. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो वी विल इनकाउंटर अगेन एंड अगेन इन माय लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस दे आर द आइडियल सॉल्यूशंस. आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं. आइडियल वर्ड ही बच्चे हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ वी वॉन्ट टू स्पेसिफाई दैट दिस सॉल्यूशन इज परफेक्ट. है ना. जब हमने परफेक्शन को डिफाइन करना हो तब हम आइडियल वर्ड को यूज करते हैं. सो आइडियल सॉल्यूशंस आर वन इन विच देयर इज नो चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स. जो कंपोनेंट्स मेरे सॉल्यूशन बना रहे हैं आई एम एडिंग वन सॉल्यूट इनटू वन सॉल्वेंट. मेरे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की किसी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगी. सिर्फ किस में चेंज आएगी. The change will happen in only their dilution. सिर्फ उनकी dilution में change आएगी. Those solution or those mixtures are called ideal solutions. ठीक है. जिसमें मेरा component A is and component B एक दूसरे के साथ किसी angle से react नहीं कर रहा और उन दोनों को अगर मैं mixed कर रही हूँ तो कोई उनकी property, name a property, किसी property में उनके change नहीं आ रही. सिर्फ उनकी dilution में change आ रही है. They are my ideal solutions. So for ideal solution, heat is neither evolved nor absorbed during the mixture. जो you can understand from this, हम अब तक पढ़ते हैं कि जब भी कोई solution बनता है या heat evolve होगी या absorb होगी. Ideal is a perfect condition. Perfect condition क्या है. ना मेरी heat evolve होगी ना मेरी absorb होगी. From this statement only you can interpret कि ideal solutions बहुत कम होते हैं. In fact होते ही नहीं. हमने हमेशा आइडियल से डेविएशन आपको मिलेगी और नॉन आइडियल और रियल सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे. द सेकेंड कंडीशन इज नो श्रिंकेज और एक्सपेंशन व्हेन लिक्विड्स आर मिक्स्ड. व्हेन वी आर मिक्सिंग टू लिक्विड सिर्फ डाइल्यूशन चेंज हो रही है. इन आइडियल सॉल्यूशन कोई श्रिंकेज नहीं हो रही कोई एक्सपेंशन नहीं हो रही. थर्ड फोर्सेज बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स. लिक्विड मेरा कंपोनेंट ए एंड बी के बीच में जो फोर्सेस होंगे दे आर सेम ऑफ सेम टाइप एज दोज प्रेजेंट इन माई लाइक मॉलिक्यूल. सो यू कैन इंटरप्रेट दैट दिस आइडियल सोल्यूशन इज अ हाइपोथेटिकल टर्म बिकॉज इट इज सो परफेक्ट कि जो रियलिटी में होना पॉसिबल ही नहीं. ठीक है बच्चे. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ
राउट्स लॉ क्या चीज है? राउट्स लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलाटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या पार्शियल प्रेशर होगा एक वोलाटाइल कंपोनेंट का? दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, उस प्योर कंपोनेंट का क्या पार्शियल प्रेशर है मल्टीप्लाइड बाय किस मोल फ्रैक्शन में वो प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ आइडियल मिक्सचर वेयर आई एम हैविंग अ लिक्विड ए एंड अ लिक्विड बी, वॉट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द लिक्विड ए एट एनी टेम्परेचर? इट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द लिक्विड ए जब वो लिक्विड ए अकेला प्रेजेंट है मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड ए इन द मिक्सचर. ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड बी. प्योर लिक्विड बी का क्या वेपर प्रेशर है मल्टीप्लाइड बाय किस मोल कंसेंट्रेशन और किस मोल फ्रैक्शन में वो कंपोनेंट बी प्रेजेंट है इन माय मिक्सचर. ठीक है, सो इन दिस फॉर्मूला माय पी ए एंड पी बी आर द पार्शियल वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ए एंड बी रेस्पेक्टिवली. माय पी ए नॉट एंड पी बी नॉट इज द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्योर लिक्विड जब अकेला ए और अकेला बी प्रेजेंट होता है वो मिक्सचर में प्रेजेंट नहीं. एक्स ए एंड एक्स बी आर द मोल फ्रैक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माई ए एंड बी जो मेरे मिक्सचर में प्रेजेंट है. ठीक है बच्चे, सो व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्स जब दो लिक्विड्स को हम मिक्स करते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ ईच वन हर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इज रिड्यूस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर दूसरे की प्रेजेंस में वो रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, एंड वो जो रिडक्शन है दैट इज टू द एक्सटेंट ऑफ माय डल्यूशन किस डल्यूशन तक वो रिडक्शन हुई. यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट फ्रॉम दिस फॉर्मूला. ठीक है, मेरे जब ए और बी एक मिक्सचर में प्रेजेंट है तो मेरे ए का जो वेपर प्रेशर है वो रिड्यूस होगा किस लिमिट तक, किस कंसेंट्रेशन में मेरे वो कंपोनेंट प्रेजेंट है इन द मिक्सचर और किस लेवल तक उस कंपोनेंट की डल्यूशन हुई. दैट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ माई और द पार्शियल प्रेशर ऑफ माई लिक्विड ए इन द मिक्सचर. ठीक है, सिमिलर इज द केस विद माई लिक्विड बी. सो ओनली आइडियल सोल्यूशन बेसिकली ओबे माई राउट्स लॉ. अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ आइडियल सोल्यूशंस को मैच जो करते हैं मेरे लिक्विड मिक्सचर्स दे आर बेंजीन एंड अ टॉलीन मिक्सचर उसको आप आइडियल सोल्यूशन बोल सकते हो. कुछ लिमिट तक वो मैच करते हैं मेरे आइडियल सोल्यूशंस की कंडीशन को. एनहेक्सेन एंड हेप्टेन का मिक्सचर इज माई आइडियल सोल्यूशन. इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड ये वो सारी कंडीशंस फुलफिल करेंगे अप टू सम एक्सटेंट जो मेरे आइडियल सोल्यूशन ने रखी थी. ठीक है बच्चे, द नेक्स्ट इज माई डाल्टन लॉ. डाल्टन लॉ इज नथिंग बट अ ब्रीफ एक्सटेंशन ऑफ माई राउट्स लॉ. डाल्टन लॉ स्टेट्स दैट द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस मिक्सचर जो मेरा टोटल प्रेशर एक्सर्ट करेगा एक मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस दैट इज नथिंग बट अ सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ईच गैस. हमने अभी तक बात की पी ए और पी बी की अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ वेयर पी ए वॉज इक्वल टू पी ए नॉट इन टू एक्स ए. दिस वॉज द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्योर ए मल्टीप्लाइड बाय किस मोल फ्रैक्शन में वो लिक्विड में एग्जिस्ट करता है. दिस वॉज द वेपर प्रेशर ऑफ माई प्योर लिक्विड बी मल्टीप्लाइड बाय किस कंसेंट्रेशन और किस मोल फ्रैक्शन में वो मिक्सचर में लाई करता है. वो हमने इंडिविजुअली पी ए और पी बी फाइंड आउट किया था फ्रॉम द राउट्स लॉ. अगर मैं टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर की बात करूँ दैट इज इक्वल टू क्या वेपर प्रेशर मेरे कंपोनेंट ए का है प्लस क्या पार्शियल प्रेशर मेरे कंपोनेंट बी का है. इन दोनों की एडिशन विल गिव मी द टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ माई लिक्विड मिक्सचर ऑफ द आइडियल गैस. राउट्स लॉ ने मुझे दी दिस कर्व एंड दिस कर्व. दिस कर्व वॉज गिवन बाय माई डाल्टन लॉ जो क्या कहता है कि टोटल प्रेशर ऑफ माई लिक्विड इज नथिंग बट सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ माई ए कंपोनेंट एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ माई बी कंपोनेंट. एट एनी कंसेंट्रेशन टोटल प्रेशर जो मेरा होगा उस कंसेंट्रेशन का वो क्या होगा सम ऑफ दिस एंड दिस.
बी की क्या कंट्रीब्यूशन है, ए की क्या कंट्रीब्यूशन है, फ्रॉम दिस पॉइंट इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगी आई विल गेट द वैल्यू ऑफ बी. ठीक है बच्चे. इफ आई एक्सप्लेन इट डायग्रामेटिकली, नीचे एक्स एक्सिस दिस इज ऑलवेज माई एक्स एक्सिस और ये मेरी वाई एक्सिस होती है. वाई एक्सिस पे आई हैव वेपर प्रेशर, यहाँ मेरे पास वेपर प्रेशर है, और एक्स एक्सिस पे मेरे पास कॉम्पोजिशन है. ठीक है, मैंने बात की मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स की. आई हैव अ लिक्विड ए, एक मेरे पास लिक्विड ए है, एक मेरे पास लिक्विड बी. अगर मैं इस कंपोजिशन लोअर एक्सिस की बात करूं, एट दिस पॉइंट द होल लिक्विड, अगर मेरे पास 100 ml है तो 100 ml का 100 ml मेरा कंपोनेंट ए है. जैसे ही मैं इस डायरेक्शन से, इस साइड से, इस डायरेक्शन को मूव करने की कोशिश करूंगी, मेरे ए कंपोनेंट की रेशियो और प्रोपोर्शन इन द मिक्सचर टेंड्स टू रिड्यूस, और इस साइड में मेरी कंपोनेंट और मेरी कंपोनेंट बी की प्रोपोर्शन जो है वो मिक्सचर में इंक्रीज कर रही. सो इफ दिस पॉइंट डेजिग्नेट कि मेरा 100% ए कंपोनेंट है, दिस पॉइंट डेजिग्नेट कि मेरा 100% बी कंपोनेंट. अंदर के सारे पॉइंट्स विल गिव मी अ डिफरेंट प्रोपोर्शन इन विच द कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी इज प्रेजेंट. ठीक है बच्चे. सो इफ अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ मुझे ये कर्व्स मिल रही हैं, this is the curve which is given by the Raoult's law for component B, this is the curve which is given by the Raoult's law for component A. ठीक है बच्चे, ये green color की जो lines हैं ये मेरी Raoult's law ने दी. अब अगर मैं एक particular concentration और एक particular composition specify कर लेती हूँ, मतलब just imagine कि मेरा वो composition ये वाला point है. According to Raoult's law, at this particular composition, partial pressure of component B is this, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज दिस. ठीक है, ये मैं वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करूंगी, मेरी वाई एक्सिस से. मेरी वाई एक्सिस से कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज मुझे मिल जाएंगे. अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ मेरा टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू एडिशन ऑफ दिस वन वैल्यू एंड द सेकेंड वैल्यू, जो बेसिकली मुझे इस लाइन से मिल रही है. या तो मैं इन दोनों को ऐड कर सकती हूँ या मैं डायरेक्टली इसी लाइन को ऊपर एक्सटेंड करके आई कैन फाइंड आउट द टोटल प्रेशर. दिस इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ द नीचे वाली दोनों ग्रीन लाइंस. ठीक है बच्चे, क्लियर है यहाँ तक. आइडियल सॉल्यूशंस की बात हो गई है. आइडियल सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. आई वाज सेइंग कि आइडियल सॉल्यूशन की बहुत कम एग्जाम्पल्स होती हैं. ज्यादातर सॉल्यूशंस दे आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन और उनको हम क्या कह देते हैं, रियल सॉल्यूशन, रियल सिचुएशंस में जो सॉल्यूशंस बनते हैं. ठीक है, रियल सॉल्यूशंस विल नॉट फॉलो द राउट्स लॉ बट दे विल शो सम डेविएशन फ्रॉम द राउट्स. व्हाई दे विल शो डेविएशन, क्योंकि हमने बच्चे बात की आइडियल सॉल्यूशंस में. आइडियल सॉल्यूशंस में हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी कही थी कि हमारी अधेसिव अट्रैक्शंस आर सिमिलर टू द कोहेसिव अट्रैक्शंस. मतलब मेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स. बट एक्चुअल सिनारियो में ऐसा नहीं होता. मॉलिक्यूल्स विच आर लाइक, विच आर सिमिलर टू वन अनदर, दे टेंड टू रिमेन टूगेदर. समटाइम्स समटाइम्स क्या होता है कि मेरे मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट ए के रिएक्ट कर जाते हैं विद द कंपोनेंट टू, है ना, या उनके साथ कोई स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ वो इंटरैक्ट कर जाते हैं. तो मेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेवर सिमिलर टू माय फोर्स ऑफ, यू नो, फोर्स ऑफ अधेशन इज नेवर सिमिलर टू माय फोर्स ऑफ कोहेशन. जब वो सिमिलर होंगी नहीं तो मेरा राउट्स लॉ फॉलो नहीं होगा और कोई ना कोई डेविएशन शो करेगा. डेविएशन क्या हो सकती है, डेविएशन पॉजिटिव एंड पे भी हो सकती है और नेगेटिव एंड पे भी हो सकती है ना. जो हमने ये लाइन शो की थी अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, है ना, ये या तो ऐसे हो जाएगी पॉजिटिव डेविएशन की फॉर्म में या ये नीचे को हो जाएगी नेगेटिव डेविएशन की फॉर्म. एक्चुअली आइडियल सॉल्यूशंस को ये लाइन फॉलो करनी चाहिए थी, बट रियल सॉल्यूशन इधर फॉलो द पॉजिटिव डेविएशन लाइन और द नेगेटिव डेविएशन लाइन. अब ये कैसे होता है, फर्स्ट वी विल स्टडी कि रियल सॉल्यूशंस होते क्या है. Real solutions are the solutions which show varying degree of deviation from the Raoult's law depending upon kya nature hai liquid ki aur kya temperature. ठीक है बच्चे. अब Raoult's law में जो हमारी x component था, mole fraction वाला component था, उसकी जगह पे we replace that component with
इफेक्टिव कंसेंट्रेशन, वो कंसेंट्रेशन थी ना उसको हम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन से रिप्लेस कर रहे हैं जिसको हम कह देते हैं एक्टिविटी. सो सो मॉडिफाइड राउट्स लॉ यू कैन से इज पी ए इज द टोटल प्रेशर ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट ए मल्टीप्लाइड बाय द एक्टिविटी ऑफ द कंपोनेंट. ठीक है, उसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट बी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट बी मल्टीप्लाइड बाय द एक्टिविटी ऑफ. सो फॉर आइडियल सॉल्यूशन मेरी एक्टिविटी इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन, सो वी कैन इजीली रिप्लेस इट विद एक्स ओवर हियर. फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन माय एक्टिविटी इज नॉट सिमिलर टू माय मोल फ्रैक्शन. ठीक है, इसीलिए मेरे जो रियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है दे बेसिकली शो डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ बिकॉज देयर माय इफेक्टिव कंसंट्रेशन इज नॉट इक्वल टू कंसंट्रेशन. ठीक है बच्चे, सो एक और टर्म आ जाती है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी डेविएशन हो रही है फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर. ये हमने बात की कर्व्स की, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड कर्व जो हमने ये ड्रॉ किया है, दिस वन एंड दिस वन कर्व. अब ये कितना है उसको मैथमेटिकली अगर मैंने फाइंड आउट करना है, आई कैन ईजिली फाइंड आउट यूजिंग द एक्टिविटी कोएफिशिएंट विच इज नथिंग बट द एक्टिविटी ऑफ द कंपोनेंट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द एक्टिविटी ऑफ द कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट. दिस बेसिकली प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, आइडियल बिहेवियर से कितनी डेविएशन शो कर रहा है. ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, जब हम अपने मिक्सचर के टेम्परेचर को राइज करते हैं, मेरा मिक्सचर है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का, उसका टेम्परेचर अगर मैं राइज करूँगी द सिस्टम विल बिकम क्लोजर टू द आइडियल बिहेवियर, वो आइडियलिटी की तरफ मूव करना शुरू कर देगा. जैसे ही टेम्परेचर को मैं रिड्यूस करूँगी इट विल शो डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर. सो अगर मैंने रियल सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बनाना है, वॉट आई कैन डू, आई कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ माई रिएक्शन मिक्सचर. जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करूँगी इट विल मूव क्लोजर टू द आइडियल. अब कितना टेम्परेचर राइज करने पे होता है दैट विल डिपेंड अपॉन क्या नेचर है मेरे लिक्विड मिक्सचर, क्या कंपोनेंट्स मैं उसमें ऐड कर रही हूँ. ठीक है बच्चे, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हैविंग अ 2 मार्क्स और अ 5 मार्क्स क्वेश्चन. 2 और 5 मार्क्स में बहुत इजीली आपके ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन आ जाती है और समथिंग रिलेटेड टू दैट. बहुत ईजी कंसेप्ट है बस, बट इसको मेमोराइज करना है बहुत अच्छे से ताकि किसी भी तरह से क्वेश्चन, आई विल शेयर कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको वो बेसिक आइडिया होगा, यू कैन इजीली आंसर दैट क्वेश्चन. सो मैंने बात की कि राउट्स लॉ से इधर पॉजिटिव डेविएशन होती है और नेगेटिव डेविएशन होती है. अब किन कंडीशंस में पॉजिटिव डेविएशन होती है और किन कंडीशंस में मेरी नेगेटिव डेविएशन होती है, फर्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको डिफरेंस आ सकता है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, किन किन पॉइंट्स पे वो डिफर करती है, यू कैन इजीली फाइंड दोज डिफरेंसेस इन दीज टू स्लाइड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके राइट हैंड साइड में जो फिगर है बच्चे, दिस इज बेसिकली, इसमें मैंने नीचे वाली फ्रॉम द राउट्स लॉ जो लाइन्स हमें मिलती हैं वो मैंने ड्रॉ नहीं की ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें. इसमें मैंने फ्रॉम डाल्टन्स लॉ जो लाइन मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव डेविएशन सिर्फ वो शो की है. अगर आइडियल सॉल्यूशन होता आइडियल सॉल्यूशन इस लाइन को फॉलो करता, मेरी रेड कलर की लाइन, बट बिकॉज माय नॉन आइडियल और रियल सॉल्यूशन इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन इट विल फॉलो दिस ब्लैक कलर लाइन. ठीक है बच्चे, व्हेन द वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट, ये लाइन मुझे मिलनी थी सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट से, है ना. अगर इससे ज्यादा वेपर प्रेशर आ रहा है आपके लिक्विड मिक्सचर का दैट मीन्स योर मिक्सचर इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ. ठीक है बच्चे, एग्जांपल्स कुछ सिस्टम्स की हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोरोहेक्सेन का सिस्टम आपकी पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, बेंजीन इथेनॉल का सिस्टम शो करेगा, वाटर इथेनॉल का सिस्टम शो करेगा. अब किन कंडीशंस में और उस मिक्सचर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो लीड करती हैं पॉजिटिव डेविएशन की, ओ प्रॉपर्टीज आर व्हेन कंपोनेंट्स और व्हेन बोथ ए एंड बी दे डिफर इन पोलैरिटी, लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन. वो लिक्विड मिक्सचर जहाँ पे कंपोनेंट्स मेरे इन तीनों में से किसी भी प्रॉपर्टी में वेरी करते हैं दे विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम.
हमने बात की आइडियल सॉल्यूशन की. इन आइडियल सॉल्यूशन माय एडहेसिव अट्रैक्शंस आर इक्वल टू कोहेसिव अट्रैक्शंस. एडहेसिव आर माय अट्रैक्शंस बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स. कोहेसिव आर माय अट्रैक्शंस बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स. आइडियल सॉल्यूशन में माय एडहेसिव अट्रैक्शंस आर इक्वल टू कोहेसिव अट्रैक्शन. फॉर रियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन मेरी क्या एडहेसिव अट्रैक्शन कम होगी कोहेसिव से या ज़्यादा. इन पॉजिटिव डेविएशन माय एडहेसिव अट्रैक्शंस आर लेस देन माय कोहेसिव अट्रैक्शन. दैट मींस मेरे जो लाइक मॉलिक्यूल्स हैं उनकी टेंडेंसी होगी कि वो इकट्ठे रहें. दे डोंट हैव अ टेंडेंसी कि वो इजिली अनलाइक मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स करें. अगर कोहेसिव अट्रैक्शंस आपकी ज़्यादा है देन एडहेसिव अट्रैक्शन और योर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स इज मोर देन योर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल, योर सॉल्युबिलिटी टेंड्स टू रिड्यूस. है ना? क्यों? क्योंकि मेरा कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी में जाएगा ही नहीं. वो इंटरेस्ट ही नहीं रखता कि मैं कंपोनेंट ए के मॉलिक्यूल्स को छोड़ के कंपोनेंट बी में जाऊँ. अगर जाएगा ही नहीं तो वो एक दूसरे में सॉल्युबलाइज कैसे. सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि पॉजिटिव डेविएशन में मेरी फोर्स ऑफ कोहेशन कोहेसिव अट्रैक्शंस आर मोर देन माय एडहेसिव अट्रैक्शन. सेकंड थिंग, माय सॉल्युबिलिटी विल ऑलवेज रिड्यूस व्हेन माय मिक्सचर इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम अट्रैक्शन. दिस इज द सेकंड मेजर क्वेश्चन जो आपका 2 मार्क्स में आता ही आता है इस टॉपिक में से, कि पॉजिटिव डेविएशन आपकी सॉल्युबिलिटी पे क्या इन्फ्लुएंस करती है. आप क्या आंसर करोगे? पॉजिटिव डेविएशन में मेरे एडहेसिव अट्रैक्शंस आर लोअर देन माय कोहेसिव अट्रैक्शंस, सो माय सॉल्युबिलिटी विल ऑलवेज रिड्यूस व्हेनेवर माय मिक्सचर इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉक्सल. ठीक है बच्चे, क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट, बिकॉज बच्चे ये देखो यहाँ पे इस तरह का हम्प बन रहा है. एक पर्टिकुलर पॉइंट मिलेगा जहां आपको मैक्सिमम यू कैन से कि वेपर प्रेशर मिल रहा है. सो इस तरह के सिस्टम्स को आप क्या कह सकते हो? यू कैन कॉल देम द मैक्सिमम वेपर प्रेशर मिक्सचर्स और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशंस. ठीक है, इनका पॉजिटिव डेविएशन जो शो करते हैं ना, उनको हम मिक्सचर्स को, उनको सॉल्यूशंस को इधर वी कॉल इट अ मैक्सिमम वेपर प्रेशर, क्योंकि एक मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है हमें कर्व में, और द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशंस. इन दिस केस हमने बात की कि आइडियल सॉल्यूशन में ए इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स, रियल सॉल्यूशन में ये कभी इक्वल नहीं होंगे. द मिक्सचर विच आर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन देयर योर ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स. ईदर योर ए टू द बेस ए इज ग्रेटर देन एक्स टू द बेस ए और योर ए टू द बेस बी इज ग्रेटर देन एक्स टू द बेस बी. इनमें से कोई भी और दोनों ही एक्स से ज्यादा. योर इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर कॉन्सेंट्रेशन. I hope this slide is clear to you. Next, similar आ जाती है बच्चे आपकी negative deviation. This line, this red line is what proposed for ideal solution. ये आपके ideal solution के लिए propose हुई थी red line. आपका mixture इससे to the lower side it is showing the curve or it is showing negative deviation from your Raoult's law. आपका राउट्स लॉ ये प्रपोज कर रहा था यूजिंग राउट्स लॉ, जो आपने डाल्टन्स लॉ में टोटल प्रेशर फाइंड आउट करने की कोशिश की थी, बट आपका सॉल्यूशन से लोअर वेपर प्रेशर शो कर रहा है. वेपर प्रेशर इज लेस देन द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट. दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस शो बेसिकली नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ. एग्जाम्पल है बच्चे क्लोरोफॉर्म एसीटोन की, पिरिडिन एसिटिक एसिड की, वाटर नाइट्रिक एसिड. ठीक है बच्चे, एंड द रीजन वाई दिस नेगेटिव डेविएशन इज शोन बाय द मिक्सचर इज दैट योर कंपोनेंट्स कंपोनेंट ए और बी, उनमें इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है या कोई सॉल्ट फॉर्मेशन हो रही है आपके मिक्सचर में या कोई हाइड्रेशन हो रही है, जिसके कारण आपकी राउट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो. अब पॉजिटिव डेविएशन में योर एडहेसिव अट्रैक्शंस आर लेस देन योर कोहेसिव अट्रैक्शन. Here, your adhesive attractions are more than your cohesive attraction. That means the force of attraction between unlike molecules is more than the force of attraction between like molecules. That means your solubility will always increase. Solubility aapki hamesha increase hogi agar aapka mixture negative deviation from Raoult's law dikha. Theek hai?
ठीक है बच्चे. ऑन द सिमिलर लाइन्स, क्योंकि हमें यहाँ पे एक मिनिमम पॉइंट मिल रहा है, दीज टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस आर कॉल्ड द मिनिमम वेपर प्रेशर और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन. एंड इन दिस केस A is always lower than your x. Your effective concentration is always less than your concentration. Either your A to the base A is less than your x to the base A, or your A to the base B is less than your x to the base B. अब अगर मैं आपको कहूँ कि आपने differences लिखने हैं between now, so you can easily write down 5-6 differences from these two slides. अब important point जो मैंने आपको last में भी explain किया, यहाँ मैं दोबारा कह रही हूँ, negative deviation हमेशा solubility को increase करेगी. क्यों? क्योंकि हमारी frequency frequently associated, because my components are frequently associated with hydrogen bonding between the polar components. या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है या सॉल्ट फॉर्मेशन हो रही है, हाइड्रेशन, ऑल दीज थिंग्स बेसिकली क्या कर रहे हैं, बेसिकली फैसिलिटेट कर रहे हैं कि मेरे लाइक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपने आप को ब्रेकअप करके मेरे अनलाइक मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करें. सो नेगेटिव डेविएशन विल ऑलवेज इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी, पॉजिटिव डेविएशन विल ऑलवेज डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी. ठीक है, यहाँ पे मेरे लाइक मॉलिक्यूल्स प्रेफर करेंगे कि वो आपस में ही इंटरैक्ट करके इकट्ठे बैठे हैं. अब यहाँ पे I will again want you to revisit जो हमारी solubilization और association का difference था, जो मैंने आपको था वहाँ भी कहा था. सबसे पहले solubilization, if you remember, is the phenomenon जहाँ पे मेरे like molecules unlike molecules के साथ better interact करते हैं और एक दूसरे को solubilize करते हैं. Association में मेरे एक तरह के molecules, like molecules have a tendency कि वो आपस में interact करके इकट्ठे बैठे हैं. ठीक है, उसमें एग्जाम्पल थी सोलबलाइजेशन में मेरी सोडियम क्लोराइड को सोलबलाइज करना, और इसमें एग्जाम्पल थी एसोसिएशन में फॉर एग्जाम्पल मेरा वाटर लेटस, है ना. तो सोलबलाइजेशन इनमें से कौन सी डेविएशन शो करेगा? नेगेटिव डेविएशन शो करेगा. क्यों? क्योंकि सोलबलाइजेशन में मेरे लाइक मॉलिक्यूल्स अनलाइक मॉलिक्यूल्स के साथ बेटर इंटरैक्ट कर रहे हैं, मेरी अधेसिव अट्रैक्शंस आर मोर देन माई कोहेसिव अट्रैक्शंस. ठीक है बच्चे, उसके ऑपोजिट अगर मैं बात करूं मेरे एसोसिएशन में, इट विल शो पॉजिटिव डेविएशन.